हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे कि सारे बच्चे सारे प्रशिक्षु हमारे जुड़ सके, है ना, जुड़ सके और अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सके। फटाफट शेयर कर दीजिए, सारे प्रशिक्षु जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी आ रहे हैं, कम से कम वो शेयर कर दें और प्रशिक्षु आ सकें, है ना। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख झील, भारत के प्रमुख झीलों की चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में है। बेटा हम कह रहे हैं आपके सिलेबस में है, हमने देखा तीन चार झीलें हैं, तो हमने क्यों हम क्यों पीछे हटे, हम तो और ज़्यादा पढ़ाने की उम्मीद से आ जाते हैं आपको। आपके मैक्सिमम जो बड़े से बड़े एग्जाम देने वाले हैं, आपके टीचर्स के जितने वैकेंसीज निकलते हैं सबके लिए आपको बहुत ही फायदा करेगा बेटा। यहाँ से किसी भी एग्जाम में बैठिए, आज आपको प्रमुख झीलें बता देंगे, जितने भी भारत में झीलें हैं बेटा सबका लोकेशन बताएंगे और सब कुछ बताएंगे उसके बारे में। इसके बाद जितने भी जलप्रपात हैं, जलप्रपात क्या होता है सर, जलप्रपात मतलब कि जो गिरते हैं ऊपर से, जलप्रपात जो जिसे कहते हैं हम लोग झरना, झील कहते हैं, जो पानी मतलब कि चारों तरफ उसके भूमि होता है उसे झील कहते हैं हम लोग, है ना, झील कहते हैं। सागर, सागर तो बहुत बड़ा होता है सागर ना, जैसे कैस्पियन सागर भी एक झील की आकृति है लेकिन उसका नाम कैस्पियन सागर ही पड़ गया। कैस्पियन सागर जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है, झील यानी कि सागर भी बोलते हैं, झील भी बोलते हैं उसे। वह बेटा कैस्पियन सागर आपका यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे पड़ जाता है ना, तो इस तरह। और जो आपका सुपीरियर सी है, सुपीरियर सागर है, वह पड़ जाता है आपका अमेरिका में, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है ना, ये बातें आपको पता होना चाहिए। अगर और बात करें तो अमेरिका में पांच झील है, सो में, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटेरियो, इरी और शो में और एक बेटा कौन है, यस एच ह्यूरन, एक ह्यूरन है। यह उंगली नुमा आकृति बनाती है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे, है ना, यह बातें हम आपको बता चुके हैं खैर बहुत सारे वीडियो में। अगर आप एक बार कमेंट करेंगे वीडियो खत्म होने के बाद, सर नदी बता दीजिए भारत के सारी नदियाँ, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं नदियाँ, थोड़ी बहुत हैं तो नहीं हैं तो हम सोच रहे हैं ना पढ़ाएं, आपका जब कभी क्लास वगैरह लगेगा सुपर टेट वगैरह का तो उसमें बता देंगे आपको। लेकिन अगर आप आग्रह करेंगे तो इसी हाथ लगे आपको वह भी पढ़ा देंगे हम, अगर आप ज़्यादा संख्या में कमेंट करेंगे तब, ऐसे नहीं, क्योंकि आपको पता है ना आपका एग्ज़ाम भी बहुत होने के कगार पे है, बच्चे होने के कगार पे, तो हम लोग सिलेबस के माध्यम से पढ़ते चलें, बस बस लास्ट कगार पे है आपका यह। इसके बाद एक आध दो वीडियो और आएगा ज्योग्राफी पे, फिर उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए भारत की प्रमुख झीलें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी तटीय झील वो भी लैगून झील, चिल्का झील है, कहाँ पे है, ओडिशा में पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है यहाँ पे, ये आपका ओडिशा वाला क्षेत्र है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, इधर तेलंगाना है बेटा, इधर आपका तमिलनाडु है, इधर केरल है, इधर आपका कर्नाटक है, यहाँ पे गोवा है, इधर पूरा यह महाराष्ट्र वाला इलाका है, यह छत्तीसगढ़ है, यह झारखंड है, यह बिहार है, यह हमारा यूपी है ना। ये सारी बातें आपको ज्ञात होना चाहिए, बिल्कुल मैप देखते ही आपको पता चल जाए कि हाथ रखे तो यहाँ पे कौन सा राज्य है, हाथ रख दिए यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा राज्य है, हाथ रख दिए यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा राज्य है, इस तरह आपको पता हो जाना चाहिए बेटा। इतना दिमाग माइंड में आपके मैप घुस जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने क्लासेस कर चुके हैं। तो चिल्का झील कहाँ पे है बताएंगे, लैगून झील है बेटा, लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है सर, लैगून झील ऐसे झील होते हैं जो इस प्रकार होते हैं, ध्यान से देखिएगा, मतलब कि ऐसे बना हो, ऐसे तीन तरफ तो जमीन हो और एक तरफ पानी का रास्ता हो, एक तरफ बस पानी, यह लैगून झील होता है बेटा, लैगून झील। और भारत में सबसे बड़ी लैगून की झील, खारे पानी की लैगून झील उड़ीसा में ही है, ये चीज़ याद रखेंगे, है ना। व्हीलर द्वीप वगैरह भी उड़ीसा में है, ये बातें हमने कल के बारे में, कल वाले क्लास में चर्चा किया था, तो याद रखेंगे सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है, और खारे पानी की भी सबसे बड़ी लैगून झील के नाम से जानी जाती है ना। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित है बेटा, वर्षा ऋतु जब आती है ना तो चिल्का झील को जो पानी मिलता है वो दाया और भार्गवी नदी से मिलता है, याद रखिएगा, दाया और भार्गवी, भार्गवी भार्गवी नदी से मिलता है, दाया और भार्गवी नदी से जो आपका लैगून झील है चिल्का झील उसको पानी मिलता है वर्षा ऋतु में बेटा, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सर इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी तो कुछ होगा, हाँ है ना, अगर बोला जाए जो चिल्का झील है उसकी लंबाई कितनी है तो बता देंगे 65 किलोमीटर है, 65 किलोमीटर बेटा लंबाई है उसकी। सर चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है सर, 8 से 20 किलोमीटर तक चौड़ाई है। सर गहराई कितनी होगी, गहराई मात्र 2 मीटर है बेटा, लगभग 2 मीटर है, लगभग 2 मीटर कर लीजिए इसकी गहराई है, ये बातें आपको याद होना चाहिए, 2 मीटर, 2 किलोमीटर नहीं, 2 मीटर केवल इसकी गहराई है, ये चीज़ याद रखेंगे।
क्योंकि लैगून झील है बेटा ना, कितना गहरा रहेगा वो तो भारत के सीमा के अंदर है ना, बताइए कितना गहरा रहेगा। तो मात्र 2 मीटर है, आप इसे याद कर लेंगे। अगर बोला जाए भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील, या तो रही लैगून खारे पानी की झील ना सबसे बड़ी, अगर सबसे अधिक खारे पानी की झील की बात किया जाएगा बेटा तो 230 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है राजस्थान में, जिसका नाम है सांभर झील। जिसका नाम क्या है? सांभर झील। सांभर बेटा, सांभर, सांभर बेटा, सांभर, वह सांभर नहीं जो हम लोग मतलब समझ रहे हैं, सांभर बेटा, सांभर झील। यहाँ पे अभी हाल ही में 2019-20 के आसपास में यहाँ पे प्रवासी पक्षियाँ आकर, बहुत सारी पक्षियाँ यहाँ पे मर गई थी, तो उसके लिए मुहिम वगैरह चलाया गया था सरकार का कुछ, है ना। तो वह तो करंट का बात है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा तो बता देंगे सांभर झील पूरे भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। लेकिन अगर लैगून की बात करेगा, लैगून की बात करेगा, लैगून तटीय झील की बात करेगा, तो बताएंगे बेटा हम चिल्का झील को, है ना, याद रखेंगे। इस तरह एक पेरियार है, पेरियार झील है हमारा, वो भी लैगून है। पेरियार झील बेटा एक केरल में पड़ जाता है, यह भी लैगून झील के नाम से जाना जाता है, इसे पेरियार नदी कहते हैं। पेरियार नदी भी इसी जगह एक है ना, केरल में ही, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। पूरे विश्व की नहीं बेटा, विश्व की तो आपको पता है, भारत में बुलर झील के नाम से जाना जाता है। बुलर झील जो कि कश्मीर में है, यानी कि जम्मू कश्मीर में है, जिसका अगर बोले सर क्षेत्रफल कितना है तो बताएंगे 160 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। बुलर झील यहीं पे, जम्मू कश्मीर बिल्कुल यहीं पे है बेटा। पीर पंजाल वाला श्रेणी जाती है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्का, जो ट्रांस हिमालय का है ना, तो नीचे आपका जो शिवालिक हिमालय का, जो आपका मध्य हिमालय का भाग है, कह लीजिए कि नागटीबा वगैरह, तो नागटीबा वगैरह इधर पड़ जाता है, लेकिन इधर आपका पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी पड़ती है ना, उसी के आसपास में है। तो यह बातें हमको बताएंगे, इसका लोकेशन बताएंगे जब हम दर्रा पड़ेंगे, क्योंकि आप में पासेस भी हैं, खुश हो जाइए आप लोग, आप लोग का सुपर टेट तक का बातें क्लियर कर देंगे हम यहाँ पे बच्चा। ये आप बार बार देखिए, हजार बार देखिए यार, हजार बार देखिए, आपके दिमाग में घर कर देंगे हम, घुसा देंगे आपके दिमाग में बेटा, है ना, ऐसे पढ़ाएंगे। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील की बात किया है तो बताएंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसको याद कर लेंगे बस इस तरह। अगर पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है तो बताएंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर, बेटा इसको लिख लेंगे। अब देखिए आपको ट्रिक बताते हैं, सारे झीलों को याद करने का ट्रिक, जिसके अंदर नाग आएगा, नाग नाग, जिसके अंदर नाग आएगा, एक आप दो एक्सेप्शन में होगा जो आपको याद हो गया होगा वो, है ना, जिसके अंदर नाग आएगा, जिसके लास्ट में नाग, या फिर उसके किसी भी भाग में जिस झील के नाम में नाग की या फिर नागिन की चर्चा होगी, वो हो जाता है जम्मू कश्मीर। सर डरा रहे हैं? डरा नहीं रहे बेटा, आपको याद करवा रहे हैं, याद कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में होगा। जैसे डल झील लिखते चलिए, डल झील, बुलर झील, ये तो हो गया एक्सेप्शन में। इसके बाद देखिए बैरीनाग झील, मानस, मानस बाल झील, मानस समझिए कि एक तरह से नाग से रिलेटेड है, मानस बाल झील हो गया। इसके बाद है शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ये सारे के सारे झील बेटा जम्मू कश्मीर पड़ते हैं। ये बातें आपको याद हो गई, याद नहीं हुई तो फिर से एक बार लिख लीजिए। देखिए आप लोग नोट्स अपने से बनाइए बेटा, नोट्स अपने से बनाएंगे हमारे साथियों ना, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स प्रिपेयर होगा और आपको एक बार याद हो जाएगा। लिखने से बहुत सारी चीज़ें हमारे याद करने से दोगुना स्पीड से याद होती हैं, है ना, लिखेंगे आप ना तो आपको दोगुना स्पीड से याद होंगी, तो आप लिखिए उस चीज़ को। डल झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, मानस बाल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ये सब के सब जम्मू कश्मीर में है हमारे। जम्मू कश्मीर एक अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। 5 अगस्त 2019 को इसका डिवीज़न हो गया दो यूटी में, दो केंद्र शासित प्रदेश में, जिसका नाम है एक लद्दाख, एक है हमारा जम्मू एंड कश्मीर बेटा। लद्दाख में दो जिले हैं, लेह और कारगिल, लेकिन लेह जो है, लेह तो कैपिटल बन गया लद्दाख का। अब अगर बात करेंगे बेटा जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं तो बताएंगे सर 22 जिले हैं, लेकिन अगर हम पीओके वाले क्षेत्र को अपना मानते हैं ना तो पीओके वाले में 6 जिले हमारे आते हैं, हमारे आते हैं, पाकिस्तान के नहीं आते, क्योंकि उसे हम अपना मानते हैं, अपना अपना भारत का मानते हैं, उसे एक दिन लेकर रहेंगे। तो जो भारत वाला पाकिस्तान हड़प के बैठा है ना, इसका वाला जो पाकिस्तान में इस समय है भारत का, जो हड़प के बैठा हुआ है, जहां पे उसका शासन चलता है, उसको जिस दिन हम ले लिए, उसका 6 जिला हमारे अंदर आता है, उस 6 जिले को हम अपने में काउंट करते हैं। 22, 6, 28 जिले, हमेशा 28 जिले बोलेंगे, 28 जिले हमारे जम्मू कश्मीर में है बेटा, याद रखेंगे ना इस तरफ। अब आ गए हम लोग उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड देखिए अधिकतर हमारे जो झील है बेटा ना, वो पहाड़ी वाले ही इलाके में हैं, इस तरह आपको थोड़ा सा माइंड अपने सेटअप कर लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। वैसे खैर इस तरफ भी हैं कुछ झीलें, अभी बताते हैं। अब उत्तराखंड की झील को वैसे याद करें सर, इसमें ताल आता है, इसके लास्ट में ताल, मैक्सिमम एक दो एक्सेप्शन में हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम बोलेंगे ना सब के सब इसी यूके में ही होंगे, यूके
उत्तराखंड में ही होंगे, ठीक है ना। कुछ झीलें हैं जो ताल के नाम से पड़ जाते हैं तिब्बत वाले इलाके में, तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे। जो बोलेंगे आप उसे लिख लेंगे यूके, उत्तराखंड में पड़ता है। कम चांस होता है कि आपका जो तिब्बत वाले इलाके में है ताल लगा हुआ वो कभी पूछ ले, बहुत कम चांस होता है, रेयर केस बन जाता है। लेकिन 99% अगर आपसे ताल लगा हुआ पूछता है झील किस हमारे राज्य में है, तो बताएंगे बेटा हमारे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ध्यान से आप लिखेंगे आप सात ताल, जैसे नैनीताल वगैरह है ना, तो नैनीताल भी एक झील है हमारा, नैनीताल सात ताल, नैनीताल एक जिला भी है यहाँ उत्तराखंड का। हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहे, हमारा जॉब वगैरह भी उसी जगह था बहुत पहले क्या एक दो साल पहले। तो यहाँ पे सात ताल याद रखेंगे, सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, खरपा ताल। क्या बोल दिए, समझ आया कि नहीं, फिर से लिख लीजिए, सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, खुरपा ताल, ये सब के सब हमारे उत्तराखंड में पड़ते हैं बेटा। याद रखेंगे उत्तराखंड की जो डिवीज़न हुआ था 2000 में हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, फिर आपका इधर तेलंगाना अलग हुआ था, है ना, तेलंगाना अलग हुआ था, फिर इधर आपका उत्तराखंड अलग हुआ था, है ना। तो ये सब 2000 में ही अलग हुए थे तीनों, है ना। छत्तीसगढ़ तो खैर मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और जो आपका तेलंगाना था आंध्र प्रदेश से, और जो आपका उत्तराखंड है हमारा, पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था इसे, है ना, तो यूपी से अलग हुआ था, है ना। तो ये बातें आप लिख लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में झील कितने हैं सर, बहुत इसमें भी हैं, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से लिखिएगा, सांभर झील जो भी बताए हैं, सांभर झील बेटा है जो कि सबसे बड़ा खारे पानी की झील है, है ना, याद रखेंगे। लैगून नहीं, लैगून तो चिल्का वाला आ जाएगा, उड़ीसा में आ जाएगा, जहाँ के इसमें सीएम है नवीन पटनायक जी, है ना बेटा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान के, मतलब पूरे भारत का केवल केवल और केवल खारे पानी की झील, तो बुलर झील बताएंगे, सॉरी सांभर झील बताएंगे, सांभर झील बताएंगे। इसी जगह राजसमंद, क्या बताएं बेटा, राजसमंद, लिखते चलें नोट्स प्रिपेयर करते चलें। राजसमंद झील, पिछौला झील, लूनकरनसर, क्या बोले हैं, लूनकरनसर, इस तरह याद कर लीजिए, लूनकरनसर, यह झील भी इसी जगह पड़ता है। जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, यह सब के सब झील बेटा हमारे राजस्थान में पड़ते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं सर हम केरल की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से दक्षिण भारत में जितने भी झील हैं ना वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में वहाँ से पूछ सकते हैं, ऐसा फैक्ट है, आप इसे याद करते चलें, खा जाएं बिल्कुल बेटा, भूख होना चाहिए भूख। तो बेम्बानाट झील याद रखेंगे, अष्टमलाई आपको पता होगा बेटा, एक आपका उद्यान है अष्टमलाई उद्यान जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन अष्टमुदी अगर झील की बात करेंगे, अष्टमुदी, बेम्बानाड, पेरियार जो हमने बताया, पेरियार जो है लैगून झील है बेटा, इसी जगह पड़ता है केरल में, है ना, केरल में पड़ता है पेरियार, जो आपको चलिए उस मंदिर वाले में बता देंगे कभी। बेम्बानाड झील याद रखेंगे, अष्टमुदी झील याद रखेंगे, पेरियार नदी, मतलब सॉरी पेरियार झील, पेरियार नदी से ही पेरियार झील निकलती है, मतलब पेरियार झील से पेरियार नदी निकलती है। तो पेरियार झील, अष्टमुदी झील, बेम्बानाड झील, 10 बार बोलने का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप बोलते बोलते याद भी कर लें और लिख भी लें बेटा कापी पे। तो केरल में है, बात क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं बेटा आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश कहाँ पे सर, हमने बताया था भैया 2000 में इससे तेलंगाना अलग हुआ है, इस समय आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल भी बनाए जा चुके हैं, मतलब बन रहा है अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम, है ना, बन रहा है कि नहीं, मतलब बनने का एक तरह से आवाज़ हो चुका है, आगाज हो चुका है, हो सकता है बन जाए कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, कुछ साल बाद बनेगा। लेकिन तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सर कितने झील हैं तो बता देंगे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे एक है पुलिकट झील, यही पे पुलिकट झील, यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो यहीं पे एक है पुलिकट झील बेटा, पुलिकट झील इस तरह याद कर लेंगे, पुलिकट झील तमिलनाडु में है। अगर ऑप्शन में कभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों आ जाता है तो आप हमेशा तमिलनाडु को प्रिफेयर करेंगे बेटा, तमिलनाडु को ही टिक करेंगे, आंध्र प्रदेश को नहीं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में तमिलनाडु नहीं देता है फंसाने के लिए, आप आंध्र प्रदेश तब उस समय टिक करेंगे बेटा, याद करिएगा। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, बिल्कुल इसी जगह। इसके बाद आंध्र प्रदेश में और कौन सा झील है, तो हुसैन सागर नदी भी है, हुसैन सागर झील भी है आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील भी बेटा इसी जगह है आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद आप क्या बोले, हुसैन सागर भी झील हमारा आंध्र प्रदेश में ही है, ये बातें आपको याद होना चाहिए, घर कर जाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा लोनार झील,
सर लोनार झील का बहुत चर्चा था अभी हाल में, इसको क्योंकि हमारा रामसर साइट में डाला गया है, यहीं पे अभी हाल में जब कोरोना काल चल रहा था बहुत सारी घटनाएं घट रही थी, हमारे अभिनेता लोग काफ़ी ज़्यादा मर रहे थे, डेथ हो रहा था उनका, उनका देहांत हो रहा था, काफ़ी घटनाएं हो रही थी, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग को हमने खो दिया है ना। इसी समय विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में बेटा एक बवाल भी हो गया था। क्या हो गया था सर? गैस त्रासदी हो गई थी, जो 1986 वाला, 83-86 वाला वही घटना फिर घट गई थी, वैसे ही घटना घटी थी, उस समय भी गैस एक लीक हुआ था है ना, उस समय भी बहुत सारे लोग खड्डे हुआ था बेटा। तो बस बहुत सारी घटनाएं हुई थी, अब उसको याद ना करें हम लोग तभी बेहतर है। लोनार लैक है, उसी समय हमारा लोनार लैक बिल्कुल बिल्कुल रेड हो गया था, लाल लाल हो गया था। लोग बहुत बड़े, बहुत साइंटिस्ट मतलब कह रहे थे कि यहाँ पे एलगी है, कुछ कहना था, लेकिन आपको सिर्फ याद करना है लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, याद रखेंगे महाराष्ट्र में पड़ता है बेटा, महाराष्ट्र में पड़ता है, आप इसे याद कर लेंगे, या रामसर साइट में भी है। इसे क्रेटर झील बोलते हैं, बोला जाता है ये उल्का पिंड के गिरने से बना है, याद रखेंगे उल्का पिंड से गिरने से बना है, और इसका पानी भी हाल में ही लाल हुआ था, एलगी, लाल एलगी के कारण, लाल सेवाल के कारण है ना, याद रखेंगे। लोनार लेक कहाँ पर बेटा, लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इतनी झीलें थी, अगर याद कर लेते हैं तो एक भी नंबर आपका यहाँ से नहीं छूटने वाला है, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, भारत से अगर झील पूछेगा तो आप फोड़ के आएंगे बेटा। अब हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात की, जोग गरसोप्पा जलप्रपात। सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है किस नदी पर है, और यह भी पूछ लेता है कि भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, तो तुरंत बताएंगे भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात 225 मीटर पर स्थित, जिसका नाम है जोग गरसोप्पा जलप्रपात, कर्नाटक में है, सरावती नदी पर है, कर्नाटक के सरावती नदी पर जोग गरसोप्पा जलप्रपात है सबसे ऊंची जलप्रपात भारत की, याद हो गया। अब याद करेंगे एन्ना, क्या बोले बेटा, एन्ना जलप्रपात, एन्ना, एन्ना जलप्रपात, एन्ना जलप्रपात किस नदी पर है सर, तो बताएंगे नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर 183 मीटर ऊंचाई पर है बेटा, 183 मीटर से ऊंची पे गिरती है, याद करेंगे ये नर्मदा नदी पर है एन्ना। इसके बाद आता है शिव समुद्रम, कावेरी, कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 90 मीटर है सर। कहाँ पे पड़ता है यह, कावेरी नदी पर पड़ता है, कावेरी नदी, सर कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक के बाला, क्या बोलते हैं, एक पहाड़ी है ना, क्या नाम है, देखिए नाम, महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती कावेरी नदी है ना, याद रखेंगे। इसकी लगभग लंबाई बेटा आपका देखा जाए तो 800 मीटर के आसपास में है, 800 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा। इसे बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा, लेकिन गोदावरी को बोला जाता है दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। बूढ़ी गंगा की बात करेगा, किस नदी को बोला जाता है, तो बोलेंगे गोदावरी की गंगा को, मतलब गोदावरी को बोला जाता है दक्षिण की गंगा, और दक्षिण भारत की बूढ़ी नदी के नाम से उसे जाना जाता है। लेकिन अगर बोलेगा दक्षिण भारत की गंगा, भारत की गंगा अगर लगा देगा उसमें, दक्षिण की गंगा नहीं, केवल दक्षिण भारत की गंगा उसमें लगा दिया, तो कावेरी मतलब कि हद है, थोड़े से उसमें थोड़ा सा इसको संशोधन कर देना चाहिए उन लोग को। लेकिन क्या है, हमें याद करना है, हमें फंसाने की तरीका एक है, तो हमें याद करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमें नंबर लेना है, उनसे लड़ाई नहीं करना है। तो याद रखिएगा भारत की गंगा अगर बोलेगा, दक्षिण भारत की गंगा अगर बोलेगा तो कावेरी नदी लगाएंगे, अगर दक्षिण की गंगा बोलेगा तो गोदावरी नदी लगाएंगे, गोदावरी नदी को बोलते हैं, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, लगभग 1400 मीटर के आसपास में उसकी लंबाई है बेटा, याद रखेंगे ना, 1300 समथिंग है, तो 1400 बोल सकते हैं उसे हम। इसके बाद मीटर, मीटर में होगा लंबाई, मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, बताइए किलोमीटर में होगा, मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा बेटा, किलोमीटर में होगा, याद रखिए किलोमीटर में होगा, मीटर में नहीं, किलोमीटर में है ना, किलोमीटर में, जितने भी बोले अगर मीटर बोले हो ना नदी की लंबाई, उसे आप सही कर लेंगे, किलोमीटर वहाँ पर लगा लेंगे। चलिए इसके बाद आता है गोकक, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है 55 मीटर पर ऊंचाई पर है, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है 55 मीटर ऊंचाई पर है। इसके बाद पायकार, पायकार सर कहाँ पर, पायकारा जलप्रपात यह हमारा तमिलनाडु के इलाके में है, तमिलनाडु केरल वाले इलाके में बेटा, ये नीलगिरी के क्षेत्र में पड़ता है, नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं ना वो हमारे दक्षिण भारत में जो दोनों राज्य हैं लास्ट वाले केरल और तमिलनाडु इसको कनेक्ट करती है, कनेक्ट करती है बेटा है ना, तो याद रखेंगे इसे। इसके बाद अगर बात करें चूलिया, चूलिया जलप्रपात, चूलिया च च च चूलिया, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, चंबल के डाकू आप सुने होंगे, जो जो आपका इधर वाला राजस्थान का दक्षिण है, दक्षिण वाला इलाका है, और मध्य प्रदेश का पश्चिम वाला, उसी जगह चंबल नदी बहती है, और चंबल की खाड़ी भी उसी जगह है, चंबल की घाटी जिसे बोलते हैं, यहीं पे बहुत सारे डाकू वगैरह पाए जाते थे, आप मूवी वगैरह पुराना देखते होंगे तो चंबल की घाटी में बहुत सारे गुंडे छिपे होते थे, और इस घाटी में बेटा बहुत ही डरावनी है, यहाँ पर अगर कोई छुप जाए ना तो कोई जल्दी पहुँच नहीं पाएगा उसके अंदर, मतलब बहुत
सकरी सकरी घाटियाँ हैं, बहुत पतली पतली हैं, कहीं भी घुस के बैठ जाइए। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारत सरकार का पहरा रहता है ना, कि बहुत सारे जो डाकू वगैरह पनपते हैं ना, इसी जगह से पनपते हैं, है ना। तो यह बातें बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं, आप जानते होंगे। तो याद करेंगे चंबल नदी पर स्थित है चुलिया जलप्रपात, 18 मीटर की ऊंचाई पर बेटा। एक है पुनासा, पुनासा, पुनासा भी चंबल पर स्थित है, पुनासा जलप्रपात चंबल पर स्थित है। एक है बिहार, बिहार राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार जलप्रपात नाम है उसका, टोंस नदी पर है। किस नदी पर है? टोंस, टोंस नदी पर है जलप्रपात, कौन सा? पुनासा, सॉरी सॉरी सॉरी, पुनासा नहीं बेटा, क्या बोल दिया हम, बिहार, बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, याद रखेंगे। धुआंधार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखिए इसे, धुआंधार जलप्रपात अमरकंटक की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इधर विंध्या श्रेणी है, इधर नर्मदा नदी निकलती है, इधर बहती है ऐसूरी बनाती है, फिर इधर इसके नीचे आ जाता है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी के बाद इधर आ जाता है बेटा आपका ताप्ती नदी, ताप्ती नदी भी इधर बहती है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से होके राजस्थान होके गुजरात से होते हुए इधर गिर जाती है, मतलब कि आपका इस वाले क्षेत्र में गिर जाती है। इसी तरह आपका नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी है वो आपका विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से गिरती है, वह भी अमरकंटक की चोटी से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ पे आकर आपका अपना आश्रित, तो मतलब एक तरह से कह लीजिए कि अपना पानी गिराती है, ऐसूरी बनाती है, ना याद रखेंगे बेटा। ये खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी यहाँ पे गुजरात की, यहाँ पे खंबात की खाड़ी से बोलते हैं, खंबात की खाड़ी से साबरमती नदी भी गिरती है इसमें और माही नदी भी इसी में गिरती है। माही नदी तो कर्क रेखा को दो बार काटती भी है, हमने बताया था आपको, है ना। तो ये सारी फैक्ट है, आप लिखते चलेंगे। अब एक बात और हमने क्या बताया, अभी क्या बता रहे थे, कौन सा? धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात बेटा ये जाती है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है। नर्मदा नदी को जितने भी डैम बन रहे हैं, मेधा पाटेकर उसको बचाने के लिए एक मुहिम भी छिड़ी थी कि उसको, मतलब उसको एक तरह से प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया जाए, उसको उसमें जो डैम बन रहा है उसको बनने न दिया जाए, तो मेधा पाटेकर का नाम आता है ना बेटा, याद रखिएगा। तो नर्मदा नदी पर एक धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है, याद करिए, मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। यह भड़ौच नाम की एक मध्य प्रदेश में जगह है बेटा, भड़ौच, भड़ौच नाम का जगह है, भड़ौच, क्या बोल रहे हैं लिख लीजिए आप, भड़ौच, भड़ौच यही परिस्थित है, इस वजह से इसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात बेटा, याद करिएगा इसे। एक है हुंडरू, हुंडरू है स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी, अच्छा आप कमेंट करेंगे, एक बात आप खोज के कमेंट करेंगे, महानदी बताएंगे किस राज्य में बहता है और स्वर्णरेखा नदी किस राज्य में बहता है ना। स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू, हुंडरू, ह छोटा ऊ चंद्रबिंदु डरू, याद हो गया हुंडरू, कुछ बच्चे बोलते हैं सर लिख दिया करिए, अरे बच्चा मेरा थोड़ा सा लिखने की आदत कम है ना, इस वजह से लिखते कम है और बोलते ज़्यादा हैं, जैसा कि आप लोग को मजा आ जाता होगा ना। आप लोग लिखिए इसे, अपने नोट्स बनाइएगा, प्रिपेयर करेंगे। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर मात्र मात्र और मात्र 74 मीटर की ऊंचाई पर है बेटा, इस तरह आप लिख लेंगे इसे, है ना। चलिए इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा आपका, कारा, मतलब कि सॉरी दर्रे, सारे दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, है ना, दर्रे के बारे में ट्रिक से पढ़ेंगे, इसमें आपको बताएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना। तो चलते हैं, विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप फटाफट शेयर करिएगा, और जो बच्चे ये डिमांड करते हैं सर आपकी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो उनसे आग्रह करते हैं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोग आइए प्लेलिस्ट में, आप लोग देखेंगे कि डीएलएड वाला ऑप्शन बना है, डीएलएड का एक आपको फाइल बनाया गया, उसमें आप जब आएंगे उसमें तो देखेंगे आपका पूरा का पूरा थर्ड सेम का पूरा पूरा क्लासेस उसमें आपको मिल जाएंगे, संस्कृत के मिल जाएंगे, मैथ के मिल जाएंगे, सामाजिक अध्ययन के मिल जाएंगे, साइंस के मिल जाएंगे, आपको सारे क्लासेस हिंदी के भी मिल जाएंगे, है ना, सारे क्लासेस उसमें हैं, आप लोग ढूंढ कर ले लीजिए भैया, इसमें क्या है, सारे क्लासेस देखिए, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिवीजन करिए, है ना। चलिए धन्यवाद।